हम जो यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि ये कॉलेज में, मैं यहाँ पे अभी थर्ड ईयर में हूँ, 3 साल से हमने यहाँ सिर्फ दब कर रहा है। यहाँ पे थ्रेट कल्चर है, रैगिंग में हमें थ्रेट्स दिए जाते थे, हमें डायरेक्ट वार्निंग दिया जाता था कि तुम्हें पास नहीं कराएंगे अगर तुम हमारी बात ना मानो। तो त्योहार और प्यार लाती है रिश्तों में ढेर सारा मिठास, परंपरा वही सोच नहीं। आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल ऐसे के थ्रेड दिया जाए कुछ भी, अगर हम उनकी बात ना माने, रैगिंग दे रहे हैं, रैगिंग में स्किट होती है, स्किट में अलग अलग वल्गर कैरेक्टर्स दे दिए जाते थे। जैसे मुझे खुद ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए जिसको करने में शर्म लगती थी, और अगर मान लीजिए मुझे शर्म लग सकती है, मैं एक लड़का होते हुए अगर एक पूरा एक हॉल भरा हुआ है जिसमें लड़के भी बैठे हैं, लड़की भी बैठी है, 200-250 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक लड़की को आप एक वल्गर कैरेक्टर करने के लिए दे दिया जाए तो क्या वो कर पाएगी? क्या ये एक थ्रेड कल्चर है? और उसको डायरेक्ट वार्निंग दिया जा रहा था कि अगर तुमने स्किट नहीं किया तो मैं फेल करा देंगे। हम इसी के लिए यहाँ पे घेरा जमा हुए हैं। और भी ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ पे TMCB यूनिट चलती है, वो TMCB यूनिट के कुछ जो हेड मेंबर्स हैं, ज़्यादा नहीं 40-45 की यूनिट होती है, उसमें 4-5 ही हेड मेंबर्स बनते हैं। उनको मतलब अगर फेल भी होने वाले हो ना तो उनको ओनर्स आते हैं 75% के ऊपर मार्क्स आते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने केस देखा जिसमें इंसान को 37 मार्क्स आए थे, वो पास हुआ है 93 मार्क्स से। और एक यहाँ पे जैसे थ्रेड कल्चर है यहाँ पे ना, मीन्स यहाँ पे आप जो जानते होंगे नीट कैसे एलोकेशन होती है, 85% स्टेट कोटा होता है, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर है कि अगर कोई इंसान यूपी से आया है, वो यूपी का इंसान बंगाली नहीं बोल सकता, तो अगर वो इंसान बंगाली है तो उसको कॉन्टेक्ट करने में ऑब्वियसली सबसे प्रॉब्लम है। बच्चों जे यही जे छात्रों जे खोप एक दिन नय देखो तुम्हें यही जे पेचने जे घर रही है एखो पर्त घेराव चलते এবং ঘরে কিন্তু তিল ধারণের জায়গা নেই। তোমাকে দেখাবো যে দেখো প্রিন্সিপালের ঘরে কিন্তু এখনো ছাত্রটা কিন্তু পুরো ঘিরে রেখেছে, প্রিন্সিপালের যে ডিন রয়েছে সেখানে কিন্তু কার্যত বলা যায় যে ছাত্রদের যে বিক্ষোভ, যে দুটো দাবি মানে অনেকগুলো দাবি, দুটো দাবি তারা বলেছিল মানার জন্য, সেই দুটো দাবি কিন্তু এখনো না মানার কারণে এখনো পর্যন্ত ঘেরাও চলছে। তোমাকে দেখাবো প্রিন্সিপাল রয়েছে, ডিন রয়েছে, একদমই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে যে দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, চোর চোর স্লোগান পর্যন্ত উঠল পড়ুয়াদের মধ্য থেকে, এবং একেবারে এই দুর্নীতির অভিযোগে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তারা অধ্যক্ষকে। টিএমসিপি না করলে হস্টেল পাওয়া যেত না এমন অভিযোগ করছেন পড়ুয়ারা। এবং এই দুর্নীতিকে ক্রমশ প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন অধ্যক্ষ, এমনটাই অভিযোগ ছাত্রদের। हम लोग को यूनिट डिसॉल्व करना है नंबर वन, और नंबर टू हम लोग का ये जो यहाँ पे तो थ्रेट कल्चर चल रहा है यूनिट वाले लोग से, बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, सिर्फ थ्रेट ही नहीं है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को सब हटाना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सब प्रॉब्लम्स वहीं से लिंक्ड है, ठीक है। अगर कॉलेज में प्रॉपर अकेडमिक्स नहीं हो रहा है या फिर अपना हॉस्टल में प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, इसे लेके आपका ये जो रैगिंग कल्चर हो गया, फिर उसके बाद पैसा मांगना उल्टा सीधा, ये सब चीज़, फिर किसी को हॉस्टल से बेवजह निकाल देना, अननेसेसरी पावर दे दिया गया, वही वो लोग यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम सर्जरी सर आए और वो वहाँ पे आप लोग को दिखाया, वो हम लोग खुद देखे कि 200 का बैच था बट सिर्फ किसी एक इंसान के उसमें वाइटनर दे दिया गया और मार्क्स चेंज हुआ है। तो पार्शियलिटी है बट मेजर स्केल में नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों को तो दिया जा रहा है पार्शियलिटी। अब ये नहीं बोलेंगे कि सब यूनिट मेंबर्स लोगों को दिया गया है, बट हाँ कुछ कुछ जो स्पेशल लोग हैं जो एकदम क्लोज है इस यूनिट के, जो एकदम टॉप में है, उन लोग को तो मिल ही रहा है ये लेवरेज।